खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जयपुर महाखेल के फाइनल में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी, कहा आप फिट होंगे तभी देश सुपर हिट होगा। डिजिटल लाइब्रेरी बदलेगी लर्निंग एक्सपीरियंस। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान बवाल, बिहार के कटिहार में नाराज लोगों ने जलाए जेडीयू के पोस्टर, मुलाकात का समय नहीं देने पर ग्रामीण हुए नाराज। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का जयपुर दौरा, बीजेपी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपीएस पर कहा राज्य को सोचना पड़ेगा, कहा इतना कर्ज ना ले लें कि बाद के हालात खराब हो जाए। बीकानेर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नापा सर लूट मामले में 3 ईरानी नागरिक गिरफ्तार, ड्रग और 10 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में रॉयल वेडिंग, कियारा सिद्धार्थ के शादी के फंक्शन शुरू, 7 फरवरी को लेंगे 7 फेरे, मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीकानेर में धरनीधर मैदान में उच्च जलाशय का शिलान्यास किया। यहां लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टंकी बनेगी जो जनता प्याऊ, रानीसर, श्रीरामसर, शीतला गेट और धरनीधर क्षेत्र के लगभग 24,000 लोगों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करेगी। इस टंकी की क्षमता 90 लाख लीटर होगी। शिक्षा मंत्री ने गुणवत्ता के साथ आगामी 6 महीनों में ये कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कोटा के बालिता में आचार्य विद्यासागर संत भवन शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस नेता अमित धारीवाल और जैन समाज के नेता प्रकाश जैन के साथ भवन की नींव रखी और भवन की पहली मंजिल के निर्माण के लिए फंड का इंतजाम कराने का जिम्मा लिया। समारोह में मंत्री शांति धारीवाल ने संबोधित किया तो वहीं जैन समाज ने मंत्री शांति धारीवाल का भव्य स्वागत किया। कोई भी इमारत बने, चाहे धर्मशाला बने, चाहे कोई भी बने, योगदान सबको होना चाहिए। एक व्यक्ति पे श्रेय डालें कि एक व्यक्ति दूरी बना करके दे, ये बात ठीक नहीं है। श्रद्धा के, जब हम धर्म में श्रद्धा रखते हैं और धर्म के प्रसार के लिए सुदृढ़ संकल्पित हैं तो निश्चित तौर पर सबका अपना छोटा छोटा जैसा भी योगदान हो वो सबका योगदान होना चाहिए। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान हाल ही में संपन्न कार्य की समीक्षा की गई और कमियों को दूर करते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावी मोड पर काम करने का आह्वान किया गया। भारतीय जनता पार्टी एक फेडरलिस्ट पार्टी है। पहले हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, उसके बाद प्रदेश कार्य समिति होती है, उसके बाद में जिलों की कार्य समिति। आज सीकर जिले की कार्य समिति संपन्न हुई है, इसमें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर कार्यकर्ता जन जन तक के संपूर्ण योजनाओं की जानकारी जनता दे, उन योजनाओं को बताएं, लाभ उन योजनाओं का बताएं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आज फतेहपुर में आयोजन हुआ, जिसमें सीकर जिला के सांसद स्वामी सुवेदानंद जी, प्रदेश प्रवक्ता रामलाल जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिले की टीम, जिला अध्यक्ष, उनकी पूरी टीम, पूर्व विधायक, सभी
इस कार्य समिति के अंदर जो सत्र चला उस सत्र में भाग लिया। आज भारतीय जनता पार्टी जिला सीकर की कार्य समिति यहाँ फतेहपुर में हो रही है। पिछली कार्य समिति जो श्री माधोपुर में हुई थी वहाँ हमने जो कार्यक्रम तय किए थे उनकी समीक्षा हुई है। इस दौरान एक बड़ा कार्यक्रम जनाक्रोश यात्रा का हुआ और माननीय जिला प्रभारी जी ने बताया है कि सीकर जिले की जनाक्रोश यात्रा वन ऑफ द बेस्ट है, राजस्थान के जो अच्छे जिले हैं उनमें से हैं। आगे जो कार्यक्रम हमारी पार्टी के आए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। जयपुर के अग्रवाल पीजी कॉलेज में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड और इंडस्ट्री की ओर से आम बजट पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, यूनियन बजट कन्वीनर डॉक्टर श्याम अग्रवाल, फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सहित उद्योगपति और व्यापारी शामिल हुए। अपने संबोधन में सुशील मोदी ने कहा कि असामान्य परिस्थितियों में ये शानदार बजट है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि ये बजट 2047 के विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वहीं फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने सुशील मोदी के सामने व्यापारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी की मांग रखी। आज दुनिया में सबसे कम महंगाई भारत के अंदर है। आप जाकर देखिए अमेरिका में क्या हाल है, यूके में क्या हाल है, जर्मनी, फ्रांस, जो दुनिया के बाकी देश हैं, पाकिस्तान में क्या हाल है, 200% महंगाई वहाँ पर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महंगाई को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है। और ये जो भी महंगाई थी या है ये अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग भरतपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अपनी विधानसभा के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इससे पहले मंत्री गर्ग ने अपने आवास पर जनसुनवाई की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री गर्ग ने अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं महाराजसर गांव में मीणा समाज की महिलाओं ने पारंपरिक गीत प्रस्तुत कर मंत्री गर्ग का स्वागत किया। मंत्री गर्ग ने देवनारायण भगवान की जयंती उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया। मंत्री आज गर्ग ने भरोसा दिलाया कि विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भीलवाड़ा से खबर है, जहाजपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस कर्मियों ने भागकर जान बचाई तो भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। बजरी से भरे ट्रक और कार में भिड़ंत हो गई। विधायक गोपी चंद मीणा ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहाजपुर नाथून के पास की ये घटना बताई जा रही है। भरतपुर के गांव में आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में कठोल गांव में करीब 1 दर्जन ऑनलाइन ठगों को हिरासत में लिया गया। साथ ही उनके कब्जे से फोन, फर्जी सिम, 42 एटीएम, 44 चेक बुक्स, पासबुक सहित 1,69,000, 2 अवैध कट्टे, 315 बोर सहित 21 कारतूस बरामद किए। पुलिस की दबिश से बदमाशों में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि मेवात क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए साइबर ठगी गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार किए, जिसमें 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया। फिलहाल पुलिस शातिरों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के थूदा गांव में महिला की हत्या का मामला सामने आया, जहां घर पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। जयपुर के मानसरोवर स्थित ज्ञान आश्रम विद्यालय में विद्यार्थी विज्ञान मंथन राज्य स्तरीय परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। स्कूल के प्राचार्य ने उद्घाटन सत्र में सभी अतिथियों, अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए कक्षा 6 से 11वीं तक के 125 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 3 अलग अलग चरण में आयोजित परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि विधायक वासुदेव देवनानी रहे। देखिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये प्रतिभा खोज परीक्षा है और इसमें हर एक जो पंजीकृत किया हुआ विद्यार्थी जो है वो भारतीय विज्ञान परंपरा और भारत के विज्ञान और वैज्ञानिकों की भूमिका को समझने वाले विद्यार्थी हैं। और इसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान, गणित हो या बाकी विज्ञान के विषय हैं, उन सब के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। एक निश्चित है कि इस
जो परीक्षा है प्रथम स्तर की, शालेय स्तर की होती है, दूसरी राज्य स्तर की होती है, और इसके बाद यहाँ से जो चयन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे इनकी तीसरा मूल्यांकन होगा। विज्ञान विद्यार्थी विज्ञान मंथन के माध्यम से जो हम कार्यक्रम बनाते हैं और जो परीक्षाएं लेते हैं उसमें 40 प्रश्न इस प्रकार रखे जाते हैं जो चाहे भारतीय वैज्ञानिक की जीवनी के संबंधित हो या भारतीय विज्ञान के इतिहास के संबंधित हो या भारतीय विज्ञान के सरोकार रखने वाले जो उसको उभार सकें ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं ताकि बच्चों और बच्चियों में भारतीय विज्ञान का जो गौरवशाली इतिहास था वो उभर करके आए। उनका जैसा आपको विदित है कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन इंडिजिनस साइंटिस्ट को लेकर के उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के बच्चों में इनकल्केशन करती है, उनको अवेयर करती है कि हमारा भारतीय साइंस है उसमें भी गर्व करने की अनुभूति है और हम किस तरह से पुराने अगर तरफ जाते हैं तो एंशियंट साइंस को कॉन्फ्लुएंस करते हुए मॉडर्न साइंस के साथ में बच्चों के साथ में इस चीज़ को साझा करते हैं कि हमारे विज्ञान कितनी समृद्ध थी रहे और आगे हम आने वाले टाइम में किस तरह से आगे अपना इन पूर्वजों से यानी हमारे एंशियंट साइंटिस्टों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम लोग मैं भारतीय हूँ इस पर गर्व की अनुभूति करें और विज्ञान के क्षेत्र में भारत बहुत ऊंचाइयां छुए हुए हैं। बीच में जब हम गुलाम रहे तो हमारे विज्ञान भारतीय विज्ञान को सारा इको रख करके कोई विदेशियों ने जो मेकाली की शिक्षा के पाठ था उसको ही महान बताया जाने लगा जो कि भारत का टैलेंट शायद विश्व में सबसे ज़्यादा है। वो टैलेंट का उपयोग हम जो हमारी ज्वलन समस्याएँ उस पर विद्यार्थियों को आगे करें। जयपुर में मानसरोवर के पोदार कॉलेज में प्रदेश स्तरीय अग्र स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। अग्रवाल संगठन की राजस्थान इकाई की ओर से समारोह का आयोजन हुआ जिसमें प्रदेश भर से अखिल भारतीय अग्रवाल संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु, महिला प्रदेश अध्यक्ष अलका अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित जयपुर महाखेल का समापन हो गया। महाखेल में कबड्डी की 512 टीमों ने भाग लिया। झोटवाड़ा की एक ए और बी टीम के बीच फाइनल मैच हुआ। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जयपुर वासियों ने सांसद भी खिलाड़ी को ही चुना है और इस खेल में बेटियों की बड़ी संख्या में भागीदारी बड़ी खुशखबरी है। इस बार के बजट में खेल विभाग को 1400 करोड़ रुपए का बजट मिला है जो 2008 के बजट से 3 गुना ज्यादा है। इस बार अकेले खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम के अंदर जिसमें देश और दुनिया की जिम्मेदारी उनके पास रहती है एक छोटे से क्षेत्र एक लोकसभा में उन्हें खुद आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करा। इतना उन्होंने एनर्जी हमें दे दी है, हमारे युवाओं में भर दी है कि आने वाले कई दशकों तक ये युवा मेहनत से इस देश को और मजबूत बनाएंगे, इस देश का परचम फैलाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोल रहे थे कि आने वाले समय में ओलंपिक के अंदर जो तिरंगा लहराने वाले जो युवा हैं वो सब यहीं आज मौजूद हैं, जो आने वाले समय में इस देश को अलग अलग मजबूती देंगे वो आज सभी यहाँ मौजूद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने गृह नगर कोटा के प्रवास पर हैं। उन्होंने कैंप कार्यालय में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उचित समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास की दिशा में नवाचार करने के इरादों से ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के गांवों में एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की मंशा है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल आता हो और वो शिक्षित विकसित होने के साथ साथ आईटी फ्रेंडली भी हो। इसके लिए हम गांव में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी भी गाँव में शुरू करेंगे ताकि गाँव में रहकर बच्चा डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतियोगिता की परीक्षा भी के लिए भी अध्ययन कर सके और आईटी के क्षेत्र के अंदर जो नया बदलाव आ रहा है उस बदलाव का अध्ययन शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस के परिसर में स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किया।
कल्चरल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में इसका उद्घाटन किया गया। सीएस उषा शर्मा ने कहा कि मुझे खुशी है कि इंडियन आर्ट फेयर के दौरान इस स्कल्पचर पार्क की नींव रखी गई और इसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे मिला। ऐसे आयोजनों के जरिए युवा कलाकारों द्वारा समकालीन कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने स्कल्पचर पार्क में भाग ले रहे सभी गैलरिस्ट, आर्टिस्ट और बीकानेर हाउस की टीम को बधाई दी। इस मौके पर राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, आवासीय आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव समेत भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव और कई देशों के राजपूत कला जगत से जुड़े हुए प्रसिद्ध कलाकार और हस्तियां भी मौजूद रहे। रविवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सुशील मोदी ने गहलोत सरकार की ओपीएस का बोझ राजस्थान की जनता को उठाना पड़ेगा रविवार को ऐसा कहा, यानी आज। वहीं उन्होंने कहा कि इस साल 1300 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। देश में अगले एक साल में पूरी रेल लाइन का विद्युतीकरण हो जाएगा। मोदी ने कहा कि इस बजट में जिनकी आय 7 लाख है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं देश के 80 करोड़ लोगों को एक साल तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 30 लाख जमा करने पर 20,000 मिलेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया और केंद्रीय बजट पेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस वर्ष हम के बजट की जो प्रमुख बातें हैं उनको आम जनता के बीच नीचे तक ले जाएंगे। और इसी क्रम में 4 और 5 फरवरी को देश के 50 केंद्रों पर, सभी राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर केंद्र के मंत्री और प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है और उसके बाद एक टाउन हॉल मीटिंग लोगों के बीच में सभा के माध्यम से बजट की बारीकियों को बताया जाए। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। कल मैं अहमदाबाद में था, कल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मुंबई में थी और कल ही जो है पीयूष गोयल जी बेंगलोर में थे। तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यह प्रयोग किया जा रहा है और अब इसके बाद जिलों के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो 1 से लेकर 12 तारीख तक ये अभियान चल रहा है और इसके अतिरिक्त हमारा जो किसान मोर्चा है, हमारा जो महिला मोर्चा है और हमारा जो व्यापार प्रकोष्ठ है, तो किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और व्यापार प्रकोष्ठ, ये लोग अपने अपने सेक्टर वाइज जो किसानों के लिए क्या है अलग अलग बताएंगे लोगों को। तो एक बहुत बड़ा अभियान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया, उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से है, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डहरका बास गांव से 15 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को शुरू किया। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने सड़क निर्माण, नेछुआ पंचायत समिति क्षेत्र में बड़ा अस्पताल, सरकारी कॉलेज के भवन का शिलान्यास करने की घोषणा की। सवाईमाधोपुर में उपखंड क्षेत्र बौली के ग्राम गंगवाड़ा में आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया गया। बामनवास विधायक इंद्रा मीणा के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी सचिव, जिला संगठन प्रभारी देशराज मीणा भी शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन कर अभियान का आगाज किया गया। वहीं इस मौके पर आधा दर्जन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यात्रा का समापन नगरपालिका मुख्यालय बौली पर किया गया। बामनवास विधायक इंद्रा मीणा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में महंगाई बढ़ाई है, वहीं नफरत का माहौल पैदा किया है। ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से प्रदेश में भाईचारे और प्यार प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लगातार हमारे विधानसभा में चल रही है। कुछ दिन पहले हमने बामनवास में शुरू करी थी 1 तारीख को, आज बोली में शुरू की है और लगातार अब कार्यकर्ता और ब्लॉक की कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होकर ये गांव-गांव में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे और जहाँ कहीं भी मुझे भी जाना पड़ेगा या मुझे समय मिलेगा तो उस अनुसार हम भी बीच बीच में इनका सहयोग करते रहेंगे। खासकर बामनवास विधानसभा में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, जो AICC ने जो प्रोग्राम दिया था हाथ से हाथ जोड़ो का, उसको हर बूथ पर ले जाके और पदयात्रा या स्टिकर चेकाना, कांग्रेस की योजनाओं का गुनगुन करना और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा का है उनको क्यों ज़रूरत पड़ी,
वो संदेश हमारे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारीगण खुद विधायक महोदय अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के और जो AICC का प्रोग्राम है उसको पूर्णतः निष्ठा से करने के प्रयास कर रहे हैं। मंत्री रामलाल जाट और अशोक चांदना टोंक जिले के दौरे पर रहे। दुआकला गांव में उनका ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने धरना भगत के मंदिरों में पूजा अर्चना की और बाबड़ी की जीर्णोद्धार की आधारशिला रखी। दोनों मंत्रियों ने मंदिर और बाबड़ी के विकास के लिए अपने एक एक माह का वेतन देने की घोषणा की। धुआं कला में जो धना भगत जी की जो नाटी है, धार्मिक स्थल है, ये एक तपस्वी, एक हमारे जिस तरह की शिक्षा हमारे आने वाली पीढ़ी को देने का स्थान है, किस तरह समर्पण करने पर हमें प्राप्त होता है, विश्वास करने पर प्राप्त होता है, ये घर परिवार में भी लागू होता, राजनीति में भी लागू होता और गाँव के सामाजिक संगठनों पर भी लागू होता। राहुल गांधी जी की यात्रा है, सबने मिलकर काम किया, किसी किसी के विचार कभी कभी सब एक परिवार में भी पांच व्यक्ति रहते हैं, उनके सब समय पर एक जैसे विचार सारों के नहीं होते, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो पूरा परिवार साथ में मिलकर सामना करता है और यही कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। कभी कभी कोई चीज़ों पर यदि विचार नहीं मिलते, लेकिन जब चुनाव आता है या हमारे नेतृत्व की बात आती है, लीडरशिप की बात आती है, राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी की बात आती है, तो सब मिलकर पूरी एकजुटता से पूरी ताकत लगाते हैं और उसी का परिणाम है कि 2018 में राज्य। झालावाड़ में शीत ऋतु के दौरान प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा है। अक्सर सर्दी के मौसम में जिले के विभिन्न जलाशयों पर 150 तरह के प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां देखने को मिलती हैं। यहां सेड पाइपर, टेमिनिक स्टिंट, लिटिल रिच्ड प्लोवर, स्पोडिट रेड शार्क, ग्रीन शार्क सहित कई प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय पक्षी भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। देशी विदेशी पक्षियों की अटखेलियां देखने पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। पक्षियों का खूबसूरत मनमोहक नजारा देख पक्षी प्रेमियों में खासा उत्साह है। पक्षी प्रेमी यहाँ आकर इनको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। कहा जाए तो झालावाड़ पक्षियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ 200 से अधिक प्रजाति के पक्षी तो स्थायी रूप से निवास करते ही हैं, पर इन दिनों विदेशी पक्षी भी बहुत आते हैं, क्योंकि झालावाड़ का एक यहाँ प्राकृतिक वातावरण ऐसा बना हुआ है कि उनको यहाँ बहुत सुहाना लगता है। तो अभी साइबेरियन पक्षी का भी आना चालू हो गया है। यहाँ बार हेडेड गूज हैं, अभी आपने देखा है, तिल है। यहाँ पे काफ़ी सारे, झालावाड़ में काफ़ी सारे पक्षी आते हैं बाहर से, जैसे कि तिब्बत से कुछ पक्षी आते हैं, कुछ यूरोप से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, और ऐसे ऐसे भी कुछ पक्षी यहाँ पर हैं जो बाकी इंडिया में एंडेंजर्ड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जैसे पेंटेड स्टॉर्क हो गया, सारस क्रेन हो गया, लेकिन वो यहाँ मिलते हैं। विंटर्स के टाइम पे काफ़ी सारे वाटर बर्ड्स आते हैं और कुछ 2 या 3 महीने का उनका स्टे होता है, फिर से वो चले जाते हैं। तालाब है यहाँ, क्या सालों से ये विदेशी पक्षी आते हैं और यहाँ और पर्यटक लोग भी आते हैं, कलेक्टर साहब भी आए 2-3 बार और फोटोग्राफी वगैरह होती है, और जैसे पक्षियों की मतलब गांव वाले रक्षा भी करते हैं, कोई इनका शिकार वगैरह कुछ भी नहीं होता है, और हमेशा मतलब सालों से आ रहे हैं पक्षी और बच्चे देते हैं ना, अंडे वगैरह दे के बच्चे पैदा करके, और ये पक्षी वापस जैसे फरवरी माह के एंड में चले जाते हैं। झालावाड़ में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का डेरा लगा हुआ है। लगभग 3 से 4 हज़ार किलोमीटर यात्रा कर प्रवासी पक्षी झालावाड़ के बड़बड़ी तालाब पर आए हैं। एक नज़र हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में देशी विदेशी पक्षियों का यहाँ पर डेरा लगा हुआ है। बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों यहाँ पर आकर प्रजनन कर कुछ समय रुकते हैं, साथ ही फरवरी और मार्च में के शुरुआत में प्रवासी पक्षी अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। यहाँ कहे 4 हज़ार से 3 हज़ार किलोमीटर यात्रा कर अपने क्षेत्र में चलाते हैं। बड़ी संख्या में पक्षी विशेषज्ञ भी यहाँ आकर उन पर अध्ययन कर सकते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं बड़बड़ी तालाब पर, जहाँ पर लवकुश वाटिका बनाई जा रही है, ताकि लोगों को अध्ययन करने में छात्राओं को यहाँ पर पक्षियों के बारे में जानकारी देने के लिए ये लघु वाटिका लोगों को काम भी आएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए झालावाड़ से आरिफ मंसूरी। मैडम सर फेम टीवी एक्ट्रेस ईशा कंसारा शादी के बाद राजसमंद के नाथ द्वारा पहुंची। यहां उन्होंने भगवान श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लिया। वो यहां अपने परिवार के साथ पहुंची हैं। उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ अमित भावसर के साथ राजभोग झांकी के दर्शन किए। मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। ईशा ने बताया कि उनकी और उनके परिवार की प्रभु श्रीनाथ जी में गहरी आस्था है और शादी के बाद उनके पिताजी की इच्छा थी कि श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लिया जाए, इसलिए यहां आए हैं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।